पुलिस ने सीए और एनआरसी को लेकर जो धरना प्रदर्शन चल रहा था उसे जबरन ही खत्म कराया गया है। तो महिलाएं करीब एक महीने से यहां पर प्रदर्शन कर रही थी, पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने हो गए और हालात यहां पर तनावपूर्ण होते चले गए। तो पुलिस ने जबरन ही धरना प्रदर्शन को खत्म कराया है। तो सीए और एनआरसी को लेकर देश के कई हिस्सों में आपको बता दें कि धरना प्रदर्शन चल रहा है और कानपुर में भी पिछले एक महीने से धरना प्रदर्शन चल रहा था जिसे जबरन ही पुलिस के जरिए खत्म कराया गया और इसी दौरान पुलिस और जो प्रदर्शनकारी हैं वो आमने सामने हो गए जहां पर हालात कुछ तनावपूर्ण हो गए। तो दो दिन पहले ही ये धरना प्रदर्शन खत्म कराया गया है पुलिस का कहना है, वहीं बाहरी लोगों ने फिर से धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है, ये जानकारी इस दौरान मिल रही है। तो बड़ी खबर कानपुर से, सीए और एनआरसी को लेकर जिस तरह से प्रदर्शन चल रहे हैं उस बीच कानपुर में दो दिन पहले ये प्रदर्शन खत्म कराया गया लेकिन कहा जा रहा है कि एक बार फिर से बाहरी लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। और नीरज अवस्थी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। नीरज, अभी क्या अपडेट वहां पर, क्या हालात तनावपूर्ण है अभी भी? देखिए, आपको बता दूं, इस पूरे मामले के बाद से लगातार पुलिस प्रशासन रात से जुटा हुआ है कि किसी तरीके इन लोगों को वहां से हटा दिया जाए। पार्क से महिलाओं को हटा भी दिया गया है लेकिन जो महिलाएं हैं वो पार्क में जाने पर अड़ी हुई हैं, जिसके बाद काफी भीड़ भी वहां पे जमा हो गई। सुबह करीब 5 बजे माहौल एक बार बिगड़ता हुआ नजर आया था क्योंकि भीड़ और पुलिस बिल्कुल आमने सामने थे, लेकिन उसके बाद जो अधिकारी आए किसी तरीके से समझाने बुझाने का प्रयास चल रहा है अभी भी। तो आगे चीजें होंगी, उनकी बातचीत होगी, लेकिन अधिकारियों का ये कहना है कि इसके पीछे उन्होंने कुछ लोग शामिल हैं जो महिलाओं को पीछे से कोई वजह दे रहे हैं, इसके साथ ही जो धरना चल रहा था उसको खत्म नहीं होने दे रहे, इन चीजों की पुलिस जांच कर रही। लेकिन नीरज, कहा जा रहा है कि बाहरी लोगों ने एक बार फिर से प्रदर्शन शुरू कर दिया है, क्या वहां पर ऐसा होता हुआ दिख रहा है और क्या महिलाएं भी है वहां पर अभी? जी, महिलाएं हैं बड़ी संख्या में, अन्य लोग भी हैं, मौजूद हैं वहां पे। पुलिस का कहना है कि ये जो महिलाओं के पीछे इनको उकसाने के लिए किसी का हाथ है, बाहरी लोगों का हाथ है, इन चीजों को लेकर जांच चल रही है और भीड़ में वो लोग शामिल होकर उकसाते हैं, ऐसा पुलिस का मानना है। इन चीजों की जांच चल रही, पुलिस फिलहाल वहां पे लोगों को शांति तौर पर समझाने का प्रयास कर रही है। लेकिन नीरज जी बताइए, दो दिन पहले ये धरना जिस तरह से कहा जा रहा है कि जबरन खत्म करवाया गया है पुलिस के जरिए है और प्रदर्शनकारी और पुलिस इस दौरान आमने सामने भी आ गए, तो क्या ये उसके बाद से ही जब प्रदर्शन खत्म कराया गया उसके बाद से ही यहाँ पर एक बार फिर से लोग जुटना शुरू हो गए या दो दिन बाद ये देखने को मिला है यहाँ पर? देखिए, जैसे ही ये पुलिस और प्रशासन ने कहा कि सामने धरना समाप्त करा दिया है, वहां से लोग तो चले गए थे मगर उसके बाद से कुछ समय बाद से ही लोग इकट्ठा होने शुरू हो गए। पुलिस को जानकारी हो चुकी थी कि लोग फिर से वहां पे हैं, उसी दिन शाम को धरना खत्म कराया गया था तो लेकिन रात ही में लोग फिर पहुंच गए थे धरने के, तो पुलिस को जानकारी थी। इसी तरीके कल जब वहां भीड़ जमा हो रही रात में तो पुलिस पहुंच गई और सुबह ये स्थितियां देखने को मिल गई। चलिए, धन्यवाद आपका नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नीरज अवस्थी जिस तरह से हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे, उनका कहना है कि धरना खत्म करा दिया गया था लेकिन उसके कुछ वक्त बाद ही एक बार फिर से लोग वहां पर जुटने लग गए, लेकिन जिस तरह से महिलाएं वहां पर पहुंची हैं, कहा जा रहा है कि कुछ बाहरी लोगों का हाथ है जो प्रदर्शन को खत्म नहीं होने दे रहे हैं। तो महिलाएं और प्रदर्शनकारी आमने सामने यहाँ पर पुलिस के सामने, और दो दिन पहले ही इस धरने प्रदर्शन को खत्म करा दिया गया था लेकिन एक बार फिर से ये धरना जारी है और इलाके में तनाव की स्थिति।